हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये सुकम का इन्वर्टर का बोर्ड है, जो इसमें आप लोग को ओवरलोड का प्रॉब्लम बताऊंगा। सर्किट है उसका, ये सर्किट में आपको प्रॉब्लम, और हाई चार्जिंग के बारे में कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये जो आपका हाई चार्ज देता है तो पूरा इन्वर्टर का बोर्ड ही हिलने लग जाता है, मतलब भूकंप जैसा। तो उस प्रकार में आपका कौन सा प्रॉब्लम आता है, कहाँ से आता है? ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, ये जो दो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने के बाद भी ये प्रॉब्लम आता है, शॉर्टिंग हो जाता है। तो अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं हो तो निकल के चेक किया आपने, ख़राब नहीं हो तो क्या चेक कीजिए, आपको दिखाता हूँ डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, ये रजिस्टर दिया गया है और उसके साथ में एक पीएफ, ये है। ये पीएफ अगर शॉर्टिंग होगा तो भी आपका वही प्रॉब्लम आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांजिस्टर निकल के चेक कीजिए पहले, अगर ट्रांजिस्टर निकलने के बाद भी आपका शॉर्टिंग रहता है तो ये पीएफ खोल के फेंक दीजिए, या तो आपको दूसरा पीएफ लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और इसमें इसके साथ में और थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, या फिर जो चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है कभी कभार, तो ये ट्रांजिस्टर चेंज कर दीजिए तो चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज का वीडियो के लिए इसका ही प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। और एक बात बोलता हूँ, मेरे अगर मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, उसके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसके बाद जवाब भी दूंगा, और मेरा व्हाट्सअप भी मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सुकम का बोर्ड है, तो इसके लिए आज इतना ही वीडियो है। तो अगले वीडियो बनाऊँगा मैं इसका सिस्टम के बारे में, जो अलग मार्केट के सिस्टम कैसे लगाते हैं, यूज़ करते हैं इसमें, तो वो भी बताऊँगा। तो माइक्रोडेक का भी बताऊँगा इसमें, जो वीडियो का मार्केट का सिस्टम कैसे लगाते हैं माइक्रोडेक में।